हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू हैव ए प्लंज डीप इनटू वाटर। डू यू हैव फियर ऑफ वाटर? नॉट ना, होना भी नहीं चाहिए। व्हाई आई एम आस्किंग यू ऑल दिस? बिकॉज द लेसन टुडे वी आर गोइंग टू डू इज डीप वाटर। डीप वाटर बाय विलियम डगलस, एंड वी आर गोइंग टू हैव ए प्लंज इनटू दिस लेसन। वी आर गोइंग टू हैव ए प्लंज इनटू YMCA pool. I am taking you to Yakima at YMCA pool by studying this lesson. And if you have any fear, any doubt in mind, usko bahar nikal dein. Overcome all your fear. If you want to have success in life, overcome all your fear. This is the right time. If you have fear of mathematics, fear of stage, when teacher asks you to come on the stage and say a few lines on a specific topic, so is it stage fear? Overcome this fear. The fear we are talking in this lesson today is fear of water. क्योंकि जैसा कि आपने देखा, एक ऐड भी आती है, डर के आगे जीत है। तो वाकई ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिकन प्रेजिडेंट ने भी कहा है, all we have to fear is fear itself. किसी से नहीं डरना है, डर से ही डरना है। All we have to fear is फियर itself. Franklin D. Roosevelt, जिसके एडवाइज़र के रूप में हमारे राइटर विलियम डगलस काम करते थे। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका भी ज्वाइन किया, जुडिशरी में रहे, 40 ईयर्स सर्व किया। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, एंड फॉर इंट्रो, टाइटल, राइटर एंड थीम, आई हैव गिवन यू वन वीडियो, एंड टू अदर वीडियो इन समरी इन हिंदी इज़ देयर, एंड समरी इन इंग्लिश इज़ देयर। एंड टुडे आई एम हेयर विद लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। And lesson today we are studying is deep water, and author जो हैं उसके William Douglas हैं। William Douglas जिनका जन्म 1898 को और death जो है उनकी 1980 को हुई। He was born in Maine, Minnesota. After graduating with a bachelor's of arts in English and economics, अब आप देखिए, उन्होंने bachelor of arts में किया English और economics में। He spent 2 years teaching high school in Yakima, और Yakima में एक school में उन्होंने 2 साल पढ़ाया। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. और फिर उन्होंने 2 साल teaching की, उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें call आई, उन्हें लगा कि ये line मेरे लिए नहीं है suitable. तो he decided to pursue as a legal advisor, and he met Franklin D. Roosevelt, जो president भी थे USA के, at Yale, and became an advisor and friend to the president. और राष्ट्रपति के वो मित्र बन गए, परामर्शदाता बन गए। Douglas was a leading advocate of individual rights. Douglas जो थे व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार के जो थे वे एडवोकेट थे, and उन्होंने जो है, he retired in 1975 with a term lasting 36 years. 1975 में वे रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए, 36 साल उन्होंने कार्य किया, and remains the longest serving justice in the history of the court. और कोर्ट की इतिहास में इतना लंबा समय जो है अपनी सेवाएं किसी ने नहीं दी। The following excerpt, और ये जो हम डीप वाटर है, ये एक्सर्प्ट है, इज टेकन फ्रॉम उनकी एक किताब ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। इट रिवील्स, और इसके अंदर क्या है, क्या ये बताती है, हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन ए स्विमिंग पूल। कैसे जब बचपन में, लड़कपन में अपने वो बस डूब ही गया था। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, और कैसे उसकी उस घटना की वजह से उसके मन में जो है पानी के बारे में डर बैठ गया था। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद ये भी बताता है इस बुक, इस लेसन में, हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और कैसे उसने जो है अपने डर पर जीत पाई, विजयी कैसे हुआ। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। कैसे जो है अपना इस बुक का एक पार्ट जो है ये डीप वाटर, तो उसने यूज किया है कि कैसे उसने अपने डिस्कशन ऑफ फेयर के लिए इसको
ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट को जो है चुना है और इसका अध्ययन करते हुए नोटिस दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन टेक्स्ट का जो है आपने ध्यान रखना है। तो रहेंगे वे रहेंगे ट्रीचरस, हम देखेंगे इन्हें लेसन में जैसे जैसे आएंगे। सब्ड्यूड माई प्राइड, फ्रेल्ड एट द सर्फिस, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, मिस एडवेंचर, बॉब टू द सर्फिस लाइक ए कॉक, कर्टन ऑफ लाइफ फेल, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। तो दीज एट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यू विल सी देयर मीनिंग व्हाइल दे आर इन द कंटेक्स्ट। So let's start the lesson now. It had happened when I was 10 or 11 years old. देखिए पहले lesson में ही autobiographical note का जो example उसने दे दिया है, I आ गया है, यानी कि ये जो सारा lesson रहने वाला है first person narrative रहने वाला है और हम बाद में इसे चाहें तो अपनी English vocabulary को बढ़ाने के लिए, अपनी knowledge के लिए इसको हम third person narrative में भी, भाई कैसे narrator के ने डर लगा, डर बैठा मन में, क्या वजहें थी, क्या क्या उसे महसूस होता था एंड फाइनली कैसे वो ओवरकेम हुआ, हम थर्ड पर्सन में भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है हम इसका अध्ययन कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन नरेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल नोट जो है उसने बुक से लिया है। तो यहाँ पर आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 साल का था तब मेरे साथ ये घटित हुआ। क्या हुआ? आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, जब मैंने निर्णय लिया कि मैं तैरना सीखूं। There was a pool at the YMCA. YMCA in Yakima में है, Young Men Christian Association का एक वहाँ पर इंस्टीट्यूट है ये, और वहाँ पर जो है पूल था। That offered exactly the opportunity. कौन सी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है ये, कि वहाँ पर स्विमिंग सिखाई जाती थी, देख रहे हो ना, और जो वो चाहता था लर्न करना उसकी अपॉर्चुनिटी वो देता था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया है ये वर्ड जिसका मीनिंग हम ले रहे हैं। द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस, ट्रीचरस होता है कि अनरिलायबल कुछ होता है, अनप्रेडिक्टेबल। ये जो रिवर थी एकदम से इसमें करंट जो था बढ़ जाता था, अभी वो उसका फ्लो स्लो है एकदम से। तो मदर भी जो है उसकी कंटिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट, उसकी माता भी जो है उसे बार बार जो है बताती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और हर बार मेरी माँ मुझे जो है बताती रहती थी जितने भी हादसे नदी में हुए हैं। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन ये भी जरूर कहती थी कि YMCA का पूल सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet एट द शैलो एंड। शैलो एंड क्या होता है? शैलो एंड देख सकते हैं, नॉट डीप, शैलो होता है नॉट डीप, उथला, यानी कि अगर हम गेज करने लगे कि तो शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी नापने लगे तो पानी से लेके उसके तल तक को शैलो एंड, यो कितना था वो 2 से 3 feet था। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, और जब हम आगे बढ़ते जाएं तो वो 9 feet था, और वो जो ड्रॉप था द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल होता है कि स्लोली स्लोली, किसी को हम गोइंग डीप स्लोली, नॉट कि वो एकदम से ही, तो वो डीप जा रहा था 2-3 feet शैलो एंड से लेके 9 feet तक जो दूसरा एंड था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, वाटर विंग्स क्या होता है आप देख सकते हैं, जो भी यंग लर्नर होते हैं उन्हें पानी में जाने से पहले जो है उनकी बाजुओं पर जो आर्म्स पर हैं ये एक इन्फ्लेटेड फ्लोट्स होते हैं, हवा भरी होती है उनके अंदर और उन्हें उनकी आर्म्स पर फिक्स्ड कर दिया जाता है। तो उसने भी एक पेयर ले लिया दोनों बाजुओं में एंड वेंट टू द पूल, और वो पूल में गया, बता रहा है मैं पूल में गया। आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन नरेटिव में हम लेंगे। आई हेटेड टू वॉक, यहाँ पर देखिए आप ये याकिमा रिवर दिखाई गई है, ये बहती है और ये याकिमा शहर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं द याकिमा रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन USA। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकामा पीपल, वहाँ पर रहते हैं इसी कारण उनका नाम, रिवर का नाम भी जो याकिमा रखा गया है। और वो जाना पसंद नहीं करता था, नेक्ड इनटू इट, नेक्ड क्या होता है, नेक्ड होता है विदाउट क्लॉथ्स, नेक्ड जो होता है नंगे जब होते हैं, तो वो नंगे बदन जो है जाना उसे पसंद नहीं करता है। एंड शो माई स्किनी लेग्स, वो कहता है कि मुझे जो है नेक्ड उसमें जाना पसंद नहीं था, कि मैं जो था बड़ा थिन था, अनअट्रैक्टिव था,
तो मेरी लेग्स जो थी पतली पतली थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझे देखे, बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। और फिर भी मैंने जो है इसको सबड्यू किया, अपने इस घमंड को, कि मुझे जैसा मैं छुपाता था अपनी कमजोरी को, तो मैंने उसको सबड्यू किया। सबड्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्ड्स आए थे, सबड्यू माई प्राइड, ये वही आ गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यू होता है कर्व करना, उसको टू कंक्वेयर कर दिया अपने घमंड को, एंड डिड इट। फिर भी मैं जाने लगा। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू में, हाउ एवर, आई हैड एन एवर्जन। एवर्जन होता है कि डिसलाइक टू द वाटर, मैं पसंद नहीं करता था। अब देखिए यहाँ पर वो सीखने आया है, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा घटित हुआ है कि वो उसको डिसलाइक करता है पानी में जाने से। व्हेन आई वाज इन इट, जब वो पानी में होता था तो उसे डिसलाइक करता था। दिस स्टार्टेड, अब वो बता रहा है कारण क्या हुआ, क्यों ऐसा वो महसूस करता था, एवर्जन करता था वाटर से, डिसलाइक करता था टू गेट इन टू द वाटर। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 years old, ये शुरू हुआ जब मैं 3-4 साल का था। वो कहानी बता रहा है क्या हुआ था एक बार जो उसके साथ घटित हुआ। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कि हम जो थे कैलिफोर्निया के बीच पर, मेरे पापा मुझे लेकर गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो और मैं जो हूँ सर्फ पर खड़े हो गए। सर्फ क्या होता है कि जैसे बिग वेव्स हैं सीशोर पर अपनी फोम लेकर आती हैं, तो वो उस लहर में जो है शुरू में ही जो खड़े थे, अंदर तक नहीं गए थे। वो कह रहा है, आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके ऊपर सवार था, येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी मैं जो हूँ लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी एंड एंड आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं जो था पानी में डूब गया था, पानी मेरे ऊपर था पूरी तरह, मैं पानी के अंदर। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस जो है चली जा रही थी, जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटन, मैं पूरी तरह से डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, अब यहाँ पर देखिए ये दूसरा कारण भी हो सकता है। पहले तो मदर कहती थी आपकी मांग में नहीं जाना, पानी है, ट्रेचरस है वो रिवर, और यहाँ पर जब वो डूब रहा है तो फादर भी जो है उसका हंसा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों के मन में घर कर जाती हैं। और बट देयर वॉज टेरर इन माई हर्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव, जो थी पूरी तरह से वो मोर पर लहरों की जो थी पूरी ताकत से जो है मेरे दिल में जो है उसका एक टेरर जो है बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू दी YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज, और इन्हीं जो है अनप्लेजेंट मेमोरीज को जो है YMCA के स्विमिंग पूल में जब मैं उतरा पहली बार, इंट्रोडक्शन हुआ, तो ये मेरे को जो है यादें जो ताजा हो गई, वो डर एक बार फिर से मुझे स्मरित हो गया। एंड स्टिल चाइल्डिश फियर, स्टिल होता है कि वो इमोशंस जो हैं चाइल्डिश फियर वाले वो मेरे अंदर आ गए। एंड बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, फिर भी मैंने थोड़े ही समय में आत्मविश्वास जगाया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और जो मैंने वाटर विंग्स डाले हुए थे उनके साथ बढ़ना शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। एपिंग आप देख सकते हैं, एपिंग होता है कि किसी को इमिटेट करना, जैसे वो दूसरे वहां पर बच्चे कर रहे थे, लड़के आए हुए थे सीखने, और उन्हीं तरह मैंने भी जो है उनकी तरह ही मैं भी करने लगा। आई डिड दिस 2 और 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिनों में जो है 2-3 बार ऐसा किया। एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा था कि तभी एक मिस एडवेंचर जो है मेरे साथ घटित हुआ। यहाँ पर एक बार फिर से, एक तो वो हुआ कि जब वो 3-4 साल का था, उसका फादर जो है उसको लेकर गया, वो नीचे गिर गया लहरों के करंट से और वो डूब गया, डूबने ही वाला था, तो ये डर बैठ गया। अब एक और जो है 10-11 साल में जब वो सीखने आया YMCA में, तो यहाँ भी उसके साथ कुछ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि राइटर जो है डगलस कैसे जो है अपने फियर के बारे में बता रहे हैं। 2 incident जो हैं बैड जो उसके साथ हुए हैं, तभी जो है उसके मन में डर बैठा, उसने जीत पाई, और ये लेसन जो है डीप वाटर ब्यूटीफुली नेम्ड भी है। तो क्या होता है, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं पूल में गया जब वहां पर कोई भी नहीं था,
द प्लेस वॉज क्वाइट, शांति थी, द वॉटर वॉज स्टिल, पानी जो था स्थिर था, एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज ए बाथ टब, और वो जो था बॉटम जो थी उसकी टाइलें लगी हुई थी और वो बिल्कुल बाथ टब की तरह सफ़ेद और साफ थी, और वो जो पानी था साफ था। आई वॉज टिमिड, मैं यहाँ पर राइटर कह रहा है आई वॉज टिमिड, टिमिड होता है कि जिसमें जिस बच्चे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, लैक ऑफ करेज हो, उसको महसूस करता है कि मैं डरपोक महसूस कर रहा था, टिमिड महसूस कर रहा था अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेला जाने में। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तो मैं जो उस डर के कारण जो हूँ किसी की प्रतीक्षा करने लगा, साइड में बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, और मुझे ज़्यादा देर वहाँ बैठे नहीं हुई थी। वेन इन केम ए बिग ब्रूजर, मिडिल मीनिंग आप देख सकते हैं, टफ एंड अग्रेसिव ऑफ ए बॉय, एक लड़का आया जो कि ब्रूजर था, बिग ब्रूजर मैंने लंबा तकड़ा, टफ गाय और अग्रेसिव, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और वो 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमिन, और उसका जो शरीर था वो भरा पूरा सुंदर हष्ट पुष्ट था वो, विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग मसल होता है कि जैसे हम पानी में पत्थर डालें तो वो जो वेव्स पैदा होंगी, इसी तरह की जो उसकी शरीर पर थी, जो उसकी मसल्स थी जो थी वो रिपलिंग थी पानी की लहरों की तरह, यानी कि वो जो शरीर था उसका मस्कुलर था। ही येल्ड, येल्ड होता है कि ही शाउट इन ए लाउड एंड शार्प वॉइस, में येल करना होता है कि किसी से नम्र हो के नहीं, बल्कि क्योंकि वो टफ था अग्रेसिव था तो उसकी जो आवाज निकलेगी वो येल कहते हैं उसे, तो येल में होता है कि शाउट इन ए लाउड एंड शार्प वे से उसने बोला। हाय इसके नहीं, देखा आपने, आप यहाँ पर राइटर ने खुद भी कहा था तो उसने भी उसको वही प्रोनाउंस किया। हाउ वुड यू लाइक टू बी टक्ड, कि तुम कैसे, मैं तुम्हें इसके अंदर गिरा दूँ तो तुम कैसे जो है होना पसंद करोगे। भाई डक होता है कि किसी को जबरदस्ती जो हम उसको प्लंज कर दें, पुश कर दें समवन इन वाटर प्लेफुली, खेल खेल में हम किसी को अगर, तो तुम कैसे जो है, क्यों ना मैं तुम्हें, क्या तुम इसे पसंद करोगे कि मैं तुम्हें यदि नीचे फेंक दूं। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और ये कह के ही उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ड मी इन टू द डीप एंड, और बिल्कुल फेंक दिया कहाँ पर, डीप एंड पर, आप देखिए आप 9 फुट डीप जो था एंड वहाँ पर उसे डाला गया, फेंक दिया गया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, और जब उसको गिराया गया तो वो बैठे बैठे ही उसको उठा के फेंका, स्वालोड वाटर, और जो था पानी उसने निकला, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और वो मैं जो हूँ एक बार बिल्कुल तली पर चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, आउट ऑफ माई विट्स मतलब होना कि अपनी जो है उसमें रहना, ये idiom है एक, ये आउट ऑफ माई, मैं अपने सेंस में था, मैं अभी इरेशनल बिहेव नहीं कर रहा था, मुझे पता था अभी मैं। ऑन द वे डाउन आई प्लैंड, नीचे जाते जाते मैं योजना बना रहा था, when my feet hit the bottom, कि जैसे ही मेरे पैर तली पर लगेंगे, I would make a big jump, मैं बड़ी कूद लगाऊंगा, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool, और मैं जो हूँ big jump लगाऊंगा, come to the surface, ऊपर आ जाऊंगा, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool, और फिर पैर मार मार के मैं पूल के किनारे आ जाऊंगा। It seemed a long way down, लेकिन जब वो नीचे, मैं नीचे जा रहा हूँ तो उसे कह रहा है राइटर कि बड़ा लंबा था वो रास्ता, those 9 feet were more likely 90, मुझे लग रहा था कि ये कोई 90 feet तो नहीं है, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst, और इससे पहले कि मैं बॉटम को छूता मेरे जो थे लंग्स जो हैं ब्लास्ट होने वाला था उनमें। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength. लेकिन जब मेरे पैरों ने तली को छुआ, मैंने सारी शक्ति इकट्ठी की, and made what I thought was a great spring upwards. और मुझे लगा कि great spring
ऊपर की ओर मैं जंप कूद लगाऊं, आई इमेजिंड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉक। यहाँ पर आप देखिए बॉब न्यू वर्ड आया है, बॉब होता है कि जर्की मोशन विद हेड, जैसे हम नीचे होते हैं पानी में और एकदम से उछल कर बाहर आते हैं तो पहले हमारा सिर बाहर आता है, जैसे कॉक को डुबाएं हम तो कॉक को डुबाएं तो छोड़ें तो एकदम से वो उछल के बाहर आता है, तो उसको हम बॉब कहते हैं। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं बॉब करूंगा कॉक की तरह, इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कि बजाय क्या हुआ, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे जो है ऊपर आया, आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली मुझे कुछ नजर नहीं आया, क्या नजर आया, बट वाटर नजर आया, तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज इन इट, येलो टिंज होता है कि एक येलो टिंज होता है कि ट्रेस ऑफ ए कलर था, येलोनेस मुझे दिखाने लगा, आई ग्रू पैनिकी, मैं घबरा गया, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रॉक, मैं मुझे लगा कि एक रस्सी पकड़ लूं, ग्रैब मैंने पकड़ना, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आ रहा था, आई वॉज सफोकेटिंग, मेरी सांस जा रही थी, आई ट्राई टू येल, मैंने जो है जोर से आवाज लगाना चिल्लाना चाहा, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मैं चिल्ला भी नहीं सका, Then my eyes and nose came out of water, but not my mouth. मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आया, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आ सका। मैं पानी के नीचे ही रहा। I flailed at the surface of the water. अब flailed आप देख सकते हैं, ये उसी में आया था। Flailed होता है swing wildly, कि जब कोई डूब रहा है तो वो क्या करेगा, अपने हाथ पैर कैसे मारेगा, तो उसको जो है कहते हैं हम swing wildly, तो बिल्कुल एकदम से छटपटाहट में जो है अब राइटर है और पानी पर एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो अपना हाथ पैर मार रहा है, स्वालोड एंड चॉक्ड, वो पानी उसके अंदर घुसी जा रहा है और चॉक्ड हो गया उसका गला, आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने सोचा कि अपनी टांगे ऊपर करूं, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे बिल्कुल मृत हो चुकी थी, एंड पैरालाइज्ड एंड रिजिड, सख्त और बिल्कुल जो काम नहीं कर रही थी, उनमें जान नहीं थी, ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे खींच रही थी, आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज किसने सुनी, सिर्फ पानी ने, वहां पर कोई नहीं था, आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, इस तरह से एक बार फिर से मैं बॉटम पर जाने लगा, उस लंबी यात्रा को फिर से मैंने शुरू किया, शुरू हो गई मेरी यात्रा नीचे जाने की तली, आई स्ट्रक एट द वॉटर एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे गया तो आई स्ट्रक एट द वॉटर, नीचे जा रहा था मैं, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एंड इरेसिस्टिबल फोर्स, तो मैं अभी भी हूँ, पूरे प्रयास कर रहा था शक्ति के साथ, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांस जो है चली जा रही थी, माई लंग्स एक्ड, मेरे जो थे दर्द करने लगे थे लंग्स, एंड माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा जो सिर है वो जो था पल्पिटेट कर रहा था, रिदमिक बीट जो हो रही थी उसके अंदर मैं महसूस कर रहा था, थ्रॉब्ड होता है साउंड विद रिदम करना, बीट करना, तो वो जो हो रहा था, आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी होता है कि मैं बैलेंस जो है मेरा डिजी, गेटिंग डिजी होता है कि इम्बैलेंस होता चला मैं जा रहा था, लूजिंग बैलेंस आई वॉज, बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉक टू द सरफेस, लेकिन मुझे अपनी अभी भी नीति याद थी कि मुझे क्या करना है, कि जैसे ही मैं बॉटम पे जाऊं कूदना है मुझे और एक कॉर्क की तरह बाहर आना है, आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई
legs, then I would get to the edge of the pool and be safe. यहाँ पर आप देखिए वो डरा हुआ था लेकिन अभी भी अपने आउट ऑफ विट्स नहीं था, सोच समझने की शक्ति उसकी थी अभी भी कि मुझे क्या करना चाहिए. यही तो है डर से जीत पाने का तरीका. I went down, down endlessly. मैं और नीचे गया, और नीचे जा रहा था. I opened my eyes. मैंने आंखें खोली. क्या देखा? Nothing but water with a yellow glow. Dark water that one could not see through. और वो डार्क वाटर था और जिसके वजह से कोई देख नहीं सकता था आर पार. एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी. तो तब क्या हुआ कि एक एब्सोल्यूट टोटल और कंप्लीट जो है भय ने मुझ पर जो है काबू पा लिया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता ऐसा टेरर. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइटर भी कहता है कि मेरे इस अनुभव को जो ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट बनाया है वही व्यक्ति समझ सकता है जो कभी ना कभी डर से गुजरा हो. तो यहाँ कह रहा है कि नो वन अंडरस्टैंड हु हैड नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने कभी अनुभव ही नहीं किया वो मेरे इस जो मैं बखान कर रहा हूँ विविड डिस्क्रिप्शन जो राइटर दे रहा है वो कह रहा है कि ये कोई नहीं समझ पाएगा. ये वही समझ पाएगा जिसने डर महसूस किया हो, डर पर जीत पाई हो. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर. मैं जो हूँ अंदर वानी में चला जा रहा था. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टिफ रिजिड विद फियर. डर के मारे मैं जो था जड़ हो गया था. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन. और मेरे गले में आवाज भी जो है वो भी जम गई थी. ओनली माई हर्ट, सिर्फ मेरा दिल. एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, पाउंडिंग वही पल्पिटेट जो हो रहा था मेरा सर. सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. सही मुझे पता लग रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ. And then, in the midst of the terror, came of reason. तभी जो है इसी भय के बीच में मुझे आया. I must remember to jump when I hit the bottom. मुझे महसूस हुआ, मुझे याद आया, वही कारण याद आया कि मुझे क्या करना है. टच होते ही बॉटम को हिट करना है. At last, I felt the tiles under me. मैं तली पर महसूस किया, मैंने नीचे तली है. माई टॉज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम. मेरे जो थे टॉज, अंगूठे जो थे पैर के, उन तक पहुंचे. आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड. मेरे पास जो था, जितनी शक्ति बची थी उसके साथ मैंने पूरा कूद लगाई. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. लेकिन इससे भी जो है कोई फर्क नहीं आया. The water was still around me. मेरे चारों तरफ अभी भी पानी था. I looked for rocks, ladders, water wings. मैंने जो है रस्सी, सीढ़ी और water wings को देखा कहीं मिल जाए मुझे. Nothing but water. कुछ नहीं था, पानी था, सिर्फ पानी. A mass of yellow water held me. और वो पानी जो था पीले रंग का, बड़ा भारी मुझे वो लग रहा था. Stark terror took and Even deeper hold on me. Stark terror होता है कि shiver, sharp, complete, पूरे भय में मेरे को जो है जकड़ लिया. Like a great charge of electricity, जैसे कि मुझे एक जोरदार करंट लगा हो. I shook and trembled with fright, डर के मारे में कांप गया. My arms would not move, मेरी बाजुएं मूव नहीं कर रही थी. माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगे मूव नहीं कर रही थी. आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प. मैंने मदद की कोशिश की. टू कॉल फॉर मदर, माँ, माता को आवाज़ लगानी चाहिए. नथिंग हैपन, कुछ भी काम नहीं कर रहा था. एंड देन स्ट्रेंजली देर वॉज लाइट. और तभी अद्भुत ढंग से वहाँ पर जो था एक प्रकाश था. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर. मैं जो हूँ बाहर आ रहा था उस पीले पानी से. एट लीस्ट माई आईज वर, मेरी आँखें देख पा रही थी. माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक जो थी बिल्कुल वो भी जो थी जा रही थी. देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम. तो फिर से मैं तीसरी बार जो था डाउन जा रहा था. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. मैं हवा के लिए जो था मैंने सक किया और क्या मिला मुझे? पानी. द येलो लाइट वॉज गोइंग आउट. वो पीला प्रकाश चला जा रहा था, वापस जा रही थी वो रोशनी. देन ऑल एफर्ट सीज्ड. तो मैंने सारे प्रयास भी जो हैं
बंद कर दिए, सीज्ड होता है कि बंद कर देना, ये एक नेगेटिव होता है, आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम किया, इवन माय लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरी जो टांगी थी वो लिम्प, लिम्प होता है कि स्टिफनेस आ गई थी उनके अंदर, जैसा मैं चाह रहा था कि वो रिएक्ट करे नहीं हो रहा था, स्टिफनेस की वजह से वो मेरी टांगी जो थी लिम्प थी, एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक जो था कालापन जो है मेरे दिमाग में भी जो है अंधेरा हो रहा था, इट वाइप्ड आउट फियर, सारा डर मेरा दूर हो गया, इट वाइप्ड आउट टेरर, भय भी आतंक भी, देयर वाज नो मोर पैनिक, अब पैनिक नहीं था, आई वाज क्वाइट एंड पीसफुल, मैं शांत था, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डर की कोई बात नहीं थी, दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, ड्राउजी देखा स्लीपी, मैं जो था नींद महसूस कर रहा था, लेथार्जिक महसूस कर रहा था, आई वॉज फीलिंग हाफ एसलीप, ड्राउजी होता है कि हाफ एसलीप, कई बार आपको झपकी आती है बैठे बैठे तो उसको हम ड्राउजी कहते हैं, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कि कोई जरूरत नहीं है सोने की, जंप करने की, मैं थक चुका था, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और मैं जो था अंतरिक्ष में जो था तैर रहा था, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे ये आप देख सकते हैं आप कितनी बेहतर ढंग से जो है ऑथर ने डिस्क्रिप्शन दिया है जो उसके साथ ये मिस एडवेंचर हुआ है, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, जैसे अब उसकी वो अंतिम सांस है, वो मरने वाला है, आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन होता है कि स्टेट ऑफ बींग अनअवेयर और अनकॉन्शियस हो जाना of what is happening around one. So I crossed to oblivion and a curtain of life fell. और मैं जो था अचेत हो गया, मुझे नहीं पता मेरे चारों तरफ क्या हो रहा था, and मेरी जिंदगी का curtain जो है पर्दा गिर गया. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool. मेरे को याद है इसके बाद कि मैं पेट के बल pool के साथ पड़ा था, वॉमिटिंग उल्टी कर रहा था, द चैप, चैप होता है दम ए मैन, दैट थ्रू मी वॉज सेइंग, जिसने मुझे गिराया था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा तो मरने वाला था, बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक होगा, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसे लेकर चलते हैं. Several hours later, कुछ घंटों के बाद, I walked home, मैं घर गया, I was weak and trembling, मैं कमजोर महसूस कर रहा था और कांप रहा था, I shook and cried when I lay on my bed, मैं जो था पूरी तरह घबराया हुआ था और मैं रो दिया जब मैं अपने बेड पर लेटा, I could not eat that night, और वो कह रहा है कि मैं उस रात खा भी नहीं पाया. यहाँ पर देखिए आप भय कैसे उसमें आया और भय के दौरान उसको कैसा लगा और आगे आएगा कि कैसे उसने पार पाया भय से, तो ये सारा राइटर जो है इसमें दे रहा है. फोर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक वो जो था भय जो था मुझे हॉन्ट करता रहा. द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन अपसेट मी मेकिंग मी वुबली, वुबली होता है कि टेंडिंग टू मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, तो इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, तो मुझे पेट में भी और इवन मुझे चला भी नहीं जा रहा था, मैं चलते हुए भी जो था वुबल कर रहा था, अपसेट था मैं. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं पूल में दोबारा कभी नहीं गया. आई फियर्ड वाटर, तो पानी का जो ये डर जो था मुझ में बैठा, क्योंकि ये सेकेंड इंसिडेंट था. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जहाँ मैं हो सका मैंने पानी से अपने आप को बचाव किया. A few years later, when I came to know the waters of the cascades, जब मुझे झरनों के पानी का cascades होता है कि small waterfall, तो उसे पता लगा, I wanted to get into them, मैं चाहता था उसमें जाना. And whenever I did, whether I was wading the titan, wading होता है कि walk with effort through water, पानी से मैं चल के जाना. When I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the God rocks, the terror that had, जब भी वो नदी में जाता, पैदल चलने की कोशिश करता या
झील में नहाता, दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, जो पूल में जो मेरे साथ हुआ था वो डर जो बैठा था वो वापिस आ जाता था, इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और मुझे चारों तरफ से वो घेर लेता था, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरी टांगे काम करना बंद कर देती थी, आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक ठंडा डर भय जो है मेरा दिल भी जो है जकड़ लेता था। वो कह रहा है दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, कई साल लगे और ये मेरे साथ डर मेरे साथ रहा, इन कैनोज ऑन मेन लेग्स फिशिंग ऑन लैंड लॉक्ड सलमन, वहाँ जो थी सलमन मछली जो थी एंटायरली जो थी सराउंडेड थी, सबसे ज़्यादा होती थी, तो जब वो फिशिंग करता था कैनोए होता है कि लाइट नैरो बोट विद पॉइंटेड एंड्स, तो जब वो नाव से निकलते थे सैल्मन को पकड़ने के लिए जो उनके एरिया में बहुतायत में होती थी, या बास फिशिंग करते थे, बास फिशिंग क्या होता है कि बास फिशिंग होता है कि आजकल ये एक कमर्शियल फिशिंग हो गई है जिसके अंदर कई टेक्निक्स का यूज़ करके मछली पकड़ी जाती हैं न्यू हैम्पशायर में, या ट्रॉट फिशिंग है वहाँ जाता था वो। ट्रॉट फिशिंग क्या होता है, ट्रॉट फिशिंग होता है कि जब हम धागे में कांटा लगा के और उसको नदी में डालते हैं, एक फिश उसके साथ लगाते हैं चारे के रूप में, तो उसको ट्राउट फिशिंग कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ भी होता है। ऑन द डचेस एंड मेटलियस इन ओरेगन फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, या कोलंबिया की नदी में सैल्मन की मछली पकड़ने जाना, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, बम्पिंग लेक कैस्केड में जो है वहाँ के झरने, वेयर एवर आई वेंट जहाँ भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, वो पानी के डर ने जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ा, इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरी सारी फिशिंग ट्रिप्स उसने खराब की इस भय ने, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग, तो बोटिंग करना कैनोइंग करना और स्विमिंग करना ये सारे जॉय जो है उस भय की वजह से राइटर महसूस करता था कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ जिंदगी के मजे, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, तो हमें अपने डर पर जीत पाना है। तो वो कहता था आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर राह जो पकड़ी कि मैं इस डर पर जीत पाऊं, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन मेरे को इसने पूरी तरह जकड़ा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और अंत में 1 अक्टूबर के महीने में मैंने निर्णय लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर जो भी वहाँ तैराकी सिखाते हैं एंड लर्न टू स्विम वो रखूँ, और एक मैं तैरा। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टाइज्ड 5 डेज अ वीक, मैं एक पूल में गया और मैंने वहाँ अभ्यास शुरू किया सप्ताह में 5 दिन एन आवर ईच डे, और 1 घंटा हर रोज मैं लगाता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर जो था मेरे चारों ओर एक बेल्ट लगा देता था, ए रॉक अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट के साथ एक रस्सी बांध देता था। वेंट थ्रू ए पुली, पुली जो होती है वो एक पुली का यदि आप देखें तो व्हील होता है, ग्रूव्ड रिम होता है और रस्सी उससे जकड़ी होती है, वो पुली घूमती है तो उसको जहाँ भी जाना है वो जा सकता है। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, सिर के ऊपर से वो जाती है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड ही वेंट बैक एंड फोर्थ, वह आगे पीछे आया वो बार बार बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो आगे इस पुली की मदद से वो जाता था। आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, तो कई कई घंटे कई कई दिनों बाद हफ्तों हफ्ते उसने ऐसा किया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और जब भी ऑन ईच ट्रिप जब भी वो पूल के अक्रॉस जाता था तो एक डर जो है अभी भी था उसके अंदर। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रॉक एंड आई वेंट अंडर, जब भी वो रस्सी छोड़ता था और वो नीचे जाता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, तो वो डर वापस आ जाता था और मेरी टांगे जो हैं जम जाती थी। इट वॉज 3 मंथ्स बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक होता है कि लूज करना, तो ये 3 महीने इस तरह लगे जबकि मेरे को जो है वो स्लैक होने लगा, लूज होने लगा वो टेरर जो था, एंड
देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर. फिर मेरे प्रशिक्षक ने मुझे सिखाया कि मैंने मुंह जो है पानी के अंदर कैसे ले जाना है एंड एक्सहेल करना है एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर कैसे नाक को बाहर करके ऊपर करके इनहेल करना है, सांस लेना है, पानी के अंदर मुंह करके कैसे सांस को एक्सहेल करना है, छोड़ना है. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने कई सैकड़ों बार ये अभ्यास किया. बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर. जब भी मेरा जो सिर पानी में डालता था तो धीरे धीरे बिट बाय बिट पीस बाई पीस इन ग्रेजुअल स्टेजेस जो होता है धीरे धीरे जो है मैं सब कुछ सीख गया. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स फॉर वीक्स. आई डिड जस्ट दैट, तो जैसा वो कहता गया वैसा मैं करता रहा. एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, उसने मुझे सिखाया कि टांगों से कैसे किक करना है, तो शुरू में तो मेरी टांगों ने रिफ्यूज किया. But they gradually relaxed and finally I could command them. लेकिन फिर धीरे धीरे gradually जो है मैं gradually होता है slowly धीरे धीरे मैं जो था उन पर जो है command देता था तो वैसा वो मैं कर पा रहा था. Thus piece by piece, जैसे कि piece by piece का मतलब gradually he built a swimmer. इस तरह से वो जो था एक तैराक बन गया. And when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole. धीरे धीरे जब उसने तैराकी की सारी विधाएं जो है सीख ली एक एक करके, फिर उसने जो है उनको एक integrated whole बनाया. In April he said, अप्रैल में क्या हुआ, now you can swim. अब वो उसने प्रशिक्षक कह रहा है now you can swim, अब तुम तैर सकते हो. dive off, dive off जो है यहाँ पर एक phrasal verb है, dive off. And swim the length of the pool, crawl stroke. आप क्रॉल स्ट्रोक भी लगा सकते हो, स्विम कर सकते हो. क्रॉल स्ट्रोक होता है कि जिसमें बाजुएं हमारी आगे की ओर जाती हैं और हम उल्टे पानी पर छाती के बल होते हैं. आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और मैंने ऐसा किया और उसका काम खत्म हो गया था. बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ था. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्टिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल. अभी भी मुझे लग रहा था कि कहीं मैं फिर से टेरर स्टिकन होता है कि फिर से भय में तो नहीं चला जाऊंगा जब मैं पूल में अकेला आऊंगा. आई ट्राइड इट, मैंने प्रयास किया, मैंने चेक किया दोबारा. आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैं अप एंड डाउन चला गया. टिनी वेस्टिजेस, टिनी वेस्टिजेस होता है कि समथिंग दैट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स, तो टिनी वेस्टिजेस ऑफ ओल्ड टेरर, उस पुराने भय की वेस्टिजेस, टिनी जो धीमी सी मध्यम सी अब यादें थी जो अब नहीं है, वुड रिटर्न. बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, अब वो फिर से मुझे याद आ गई, लेकिन अब मैं उन्हें कह सकता था ट्राइंग टू स्केयर मी. आह, वो यादों को कह रहा है कि दोज टिनी वेस्टिजेस जो अब नहीं है, उन्हें कह रहा है कि अभी भी तुम मुझे डरा रही हो. वेल Here is to you, ये लो, look, देखो, and off I would go for another length of the pool. इस तरह कहकर मैं एक बार फिर से दोबारा से जो है पूल के अंदर जाता था. This went on until July, July तक इस तरह चलता रहा. But I was still not satisfied and I was not sure that all the terror had left. मुझे नहीं लगा कि सारा भय जो है चला गया है. So I went to Lake Wentworth. तो मैं जो हूँ लेक वेंटवर्थ में गया इन न्यू हैम्पशायर. टाइड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और मैंने डाइव लगाई ट्रिग्स आइलैंड में जाकर डॉक से. एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, और 2 मील तक जो है मैं तैर के गया. आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. ये जो तैराकी होती है 4 तरह की, क्रॉल में होता है कि हम उल्टे पानी पर जंप करते हैं और बाजुओं से, और ब्रेस्ट होता है कि इसमें हम बाजुएं नहीं चलाते हैं, छाती से स्ट्रोक करते हैं. साइड होता है कि इसमें सिर्फ एक साइड का पैर और हाथ चलता है. और बैक स्ट्रोक होता है कि इसमें हम कमर के बल जो है लेटते हैं पानी पर और उल्टे हाथ चलाते हैं. तो ये 4 तरह का उसने, यानी कि अब वो बता रहा है कि मैं पूरी तरह पारंगत हो गया था और चारों जो है तैराकी की जो मैंने सीखी थी, क्रॉल, ब्रेस्ट, साइड एंड बैक स्ट्रोक, सभी मैंने यूज़ किए इनसे तैरा. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार मुझे डर लगा फिर से.
When I was in the middle of the lake, जब मैं झील के बीचों बीच था, I put my face under and saw nothing but bottomless water. मैंने अपना मुंह अंदर डाला और कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया. The old sensation returned in miniature. वो पुराना भय बार बार आ रहा था. I laughed and said, मैंने उसको कहा, Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? अब तुम मेरा क्या कर सकते हो? क्या विचार है आपका? It fled and I swam on. और ये बात सुन के वो डर भाग गया एंड आई स्वैम ऑन और मैंने तैरना जारी रखा. येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स अभी भी मेरे अंदर कुछ शंकाएं थी. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट मैं जो हूँ पश्चिम की ओर गया. वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडोज अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक और मैंने जो है वहाँ पर अपना तंबू लगाया. वो हाई मीडोज होते हैं कि जो नदी के साथ ही जो मैदान होते हैं ग्रीन एरियाज होते हैं वहाँ पर और वार्म लेक के पास. तो इन चारों जगहों पर वो गया तैरा. द नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि अब उसने डर पर जीत पा ली है. वो जगह जगह जाकर उसको ट्राई कर रहा है. द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह आई स्ट्रिप्ड रिमूव्ड ऑल कवरिंग्स डाइव्ड इनटू द लेक उस झील में कूदा एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक और वो परली के सिरे पर निकला किनारे पर एंड बैक और फिर वहां से उसी तरह वापस आया. जस्ट एज डो कॉर्क्रॉन यूज टू डू जैसा कि याकिमा में ये होता था. डॉग कॉर्क्रॉन अपनी वाइफ के साथ जो है स्विमिंग किया करता था इस लेक को पार करता था. आई शाउटेड विद जॉय एंड गिल्बर्ट पीक रिटर्न द इको मैं अपने आनंद होकर चिल्लाया और वो इको जो थी वापस आई. आई हैड कंक्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर यहाँ पर राइटर बता रहा है कि कैसे उसने अपने डर पर जो है जीत पा ली थी. तो द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी और ये अनुभव मेरे लिए बड़ा गहरा मीनिंग रखता था जितना गहरा वो पानी था समुद्र का या उस पूल का. एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंक्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट और मेरे इस बात को सिर्फ वही समझ सकता है वही प्रशंसा कर सकता है जो खुद जिसने टेरर को फेस किया है और उसे कंक्वर्ड किया है. इन डेथ देयर इज पीस मौत में शांति है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ भय तो मौत के डर में है मृत्यु में तो शांति है. यदि हम मृत्यु से डरते हैं तो डर है टेरर है उसके अंदर. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड जब रूजवेल्ट को पता लगा उसने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ कि हमें और किसे नहीं डरना डर से डरना है डर से ही बने रहना है क्योंकि डर के आगे जीत है. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग क्योंकि मैंने दोनों ही जो है सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस मरने का भी अनुभव दिया और मृत्यु के भय का भी अनुभव दिया. द विल टू लिव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी लेकिन जीने की इच्छा जो थी वो इंटेंस होती है बड़ी पावरफुल होती है. ये आपको सब कुछ जो है सिखा देती है भय में भी. At last I felt released. अंत में मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ. Free to walk the trails. और मैंने जहाँ जहाँ भी किसी ने तैराकी की जहाँ भी कोई गया वो मैंने भी करके दिखाया. Trail. Trail होता है कि a long thin part और line behind. तो to walk the At last I felt released. Free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. और मैंने कई चोटियाँ चढ़ दी और अपने डर पर जीत पा ली. तो आपने देखा कि किस प्रकार से विलियम डगलस ने जो है डर जो उसके मन में बैठा तो उसके साथ में इस एडवेंचर हुए 3-4 साल की उम्र में और 10-11 साल की उम्र में. फिर उसे डर के दौरान कैसा लगा क्या क्या उसने मिस किया कैनोइंग फिशिंग ठीक है और फिर कैसे उसने पार पाया इंस्ट्रक्टर रखा और फिर एक एक करके उसने सभी तरह की तैराकियाँ सीखी. तो आपने देखा दिस वाज द lesson.